अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। अमेजिंग वर्ल्ड के आज के इस एपिसोड में मैं फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी की पब्लिक सेंट्रल लाइब्रेरी में हूं, जिसे फिनिश जुबान में यानी फिनलैंड की जुबान में ओडी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ दो जुबानें जानी जाती हैं, फिनिश और स्वीडिश। तो स्वीडिश में इसको ओदे यानी ODI कहेंगे, ओदे, और फिनिश जुबान में ODI ओडी के नाम से पुकारा जाएगा। तो आइए आपको लाइब्रेरी विजिट करा।
एक बड़े शिप से मुशाबहत रखने वाली ये खूबसूरत इमारत हेलसिंकी शहर के ऐन वस्त में है। इसके सराउंडिंग में सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल म्यूजिक सेंटर है और म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट की बिल्डिंग भी यहाँ मौजूद है। It's really nice what we do, and it's really nice to set a study here. It's beautiful. Yeah, it's really peaceful and calm, and yeah, overall pretty. इस फर्म के डिज़ाइन के लिए आला आर्किटेक्ट्स यानी ALA आला आर्किटेक्ट्स फर्म ने यह मुकाबला जीता और इसका डिज़ाइन जो है वो रामबोल फिनलैंड के हिस्से में। तालीम और किताब से मोहब्बत की ये बहुत उम्दा मिसाल है क्योंकि इस लाइब्रेरी पर जो कुल अखराजात आए वो 98 मिलियन यूरोस थे।
लाइब्रेरी की ओपनिंग 5th दिसंबर 2018 में हुई, यानी अराउंड कोई 3-3.5 साल पहले। ये बिल्कुल नई इमारत है। लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर किताबों को डिज़ाइन और आरास्ता करने के लिए 1,85,000 स्क्वायर फुट जगह का इस्तेमाल किया गया। तीन फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये खूबसूरत लाइब्रेरी, इसके ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, चेस खेलने के लिए बेशुमार टेबल मैसर हैं आपको, और इसके दूसरे फ्लोर पे आर्टवर्क के लिए आइसोलेशन रूम्स हैं जिसमें आप अकेले बैठ के या ग्रुप की शक्ल में बैठ के अगर पढ़ना चाहें तो विदाउट एनी इंटरफेरेंस आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो दोस्त घरों को ले जाते हैं बुक्स को, वो जब वापस ड्रॉप करके जाते हैं तो उनके लिए एक मखसूस एरिया है जहाँ से खुद का रिबूट जो है वो किताबें ला के तो रैक्स को मुहैया कर देता है। और इसके तीसरे फ्लोर पे लाइब्रेरी है जो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ और मज़ीद भी आप देखेंगे इसमें। तो ये बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी, आज का ये एपिसोड जो है इस खूबसूरत लाइब्रेरी की वजह से और सज गया है। इस लाइब्रेरी की ये भी खूबसूरती है कि ये एक खुदकार रिबोट जो है, ये देखिए ये लिफ्ट में से ये खुद ही ऊपर आया है। इसके ऊपर एक ट्रे है, बॉक्स है जिसमें बुक्स हैं, और ये बुक्स लेके ये देखिए ये आया है। ये जो लोग किताबें पढ़ने के लिए घर ले जाते हैं और फिर वापस ड्रॉप कर जाते हैं, तो ये खुदकार रिबोट जो है ये उन किताबों को नीचे से ऊपर शेल्फ्स में लेके आता है और एक मखसूस जगह पे जाके उन्हें ड्रॉप कर देता है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक है, जैसा कि ये देखिए इसकी हरकत और सकनात, ये देखिए। अब जो बुक्स जिस रैक की हैं ये वहीं लेके जाएगा। आइए इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि ये किताबें कहाँ लेके जाता है। ये पूरा दिन पूरी ज़िम्मेदारी से काम करता है, और ये देखिए ये इस रैक के करीब पहुंच गया है जहां इसने इस बास्केट को ड्रॉप करना है। ये देखिए ये तमाम तर निज़ाम इसमें फीड कर दिया गया है और फिर ये सारा दिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। और ये उसने बास्केट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ का जो स्टाफ है
वो इन करीबी शेल्फ्स में इन बुक को दोबारा से आरास्ता कर देंगे। अभी ये वापस नीचे जाएगा और एक दूसरी बास्केट को लेके फिर ऊपर आ जाएगा। और इस काम के लिए अगर मैन पावर रखी जाए तो मेरा ख्याल है कि 8 से 10 लोग चाहिए होंगे पूरा दिन ये काम करने के लिए। ये देखिए, ये इसकी वापसी है लिफ्ट में। My name is Mirella and I'm from Finland and I'm here at the Central Library in Helsinki at Audi, and I come here occasionally to study and to read, and I love the library. It's very beautiful from outside and also in the inside. It has a very beautiful architecture and has very different kind of places to sit and to enjoy the library, and it's very wide, and there's a lot of books and a lot of places to study, so it's a very good place for a student but also for a lot of different kind of people from different kind of life stages. So yeah, it's beautiful and very artistic. जी व्यूअर्स, तो ये था आज का एपिसोड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी हेलसिंकी। यूरोप के इस सफ़र में अगर आप मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।